नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल स्कूल चले में। और आज हम आपको, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो भी देख लिया होगा, जो हमारा जो पुस्तक है उसका नाम है संक्षिप्त इतिहास NCERT सर, और जो इसके राइटर है वो है महेश कुमार वर्णवा। तो हमने इसका एक वीडियो मैंने पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें मैंने दो पेज को लिया था। ये जो हमारा अध्याय है, फर्स्ट अध्याय है, प्राचीन भारत है। और इस पुस्तक में आपको प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व करके कई सारे आपको मुख्य बिंदु आपको मिलेंगे, और उसमें भी बहुत सारे खंड बटे हुए हैं। और जो हमारा प्राचीन भारत का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट अध्याय एक जो है हमारा, उसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत। और इसे मैंने दो पेज आपको समझाया था, जिसमें है कि इतिहास किसे कहेंगे, और पुरातात्विक स्रोत जिसमें कि सिक्के हैं, कार्बन 14 है, और अभिलेख के बारे में भी हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। तो अभिलेख के ही बारे में आज हम इसे और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा जो मौर्य सम्राट है अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, और जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अभिलेख के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि वो अभिलेख कहाँ मिला और उसके जो शासक है वो कौन थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले है हमारा अभिलेख वो हाथी गुफा अभिलेख ही है, और यह कलिंग नरेश खारवेल जो इसके शासक थे। तो ये अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के बारे में ही जानकारी देती है। तो देखिए, यहाँ पर बता रहा है कि उदयगिरी से प्राप्त हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी गुफा से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कि शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, आप सीधे चौथे नंबर पर आ जाइए, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, और उससे पहले है ऐहोल अभिलेख, यह पुलकेशी द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी मिलती है, और जूनागढ़ के बारे में तो हमने अभी पढ़ा है। और पांचवा नंबर है हमारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख, यह है समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो छठा है वो है मत्सोर अभिलेख, यह है मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के बारे में। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। और भीतरी व जूनागढ़, देखिए यहाँ पर जूनागढ़ दो है, अगर सिर्फ जूनागढ़ लिखा रहेगा तो आप रुद्रदामन बताएंगे, और जब भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख तब आप स्कंद गुप्त के बारे में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अब देखिए कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं कि वशिष्ठी पुत्र जो पुलमावी है के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख है, पांचवा नंबर है हमारा, तो उसकी विजय व विजित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्योत्तर व गुप्त काल के अधिकांश जो अभिलेख है वह कार्पस और क्या है, इन स्क्रिप्ट ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं।
इन सभी को ग्रंथमाला में संकृत किया गया है। किसे किसे? तो मौर्य को, मौर्योत्तर को और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख को। और जो सबसे पुराना अभिलेख है वह हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं और ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। और ये भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। और मतलब इसमें चित्र आपको काफ़ी मिलेंगे हड़प्पा संस्कृति में, इसलिए इसे भावचित्रात्मक लिपि कहा गया है। सबसे जो पुराने अभिलेख है जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। मतलब सबसे पहले या फिर सबसे जो प्राचीन अभिलेख है उसमें अशोक के ही शिलालेख है, इसे पढ़ा गया है। और इस अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुल 9 अभिलेख और उसके शासन के बारे में जाना, और अब हम पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्तंभ लेख है, फिर उसके जो स्थल है मतलब किस स्थान पर मिले हैं, फिर वह किस व्यक्ति से संबंधित है, फिर समय और अभिलेख की विषय वस्तु क्या है, उन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हमारा है वो है मेहरौली का स्तंभ लेख। तो ये जो स्थान है कहाँ से मिला है, तो ये है दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में, और संबंधित व्यक्ति है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसका जो समय है वह गुप्तकालीन है। और अभिलेख की विषय वस्तु क्या है, तो जो मेहरौली स्तंभ लेख है यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी के वैष्णव होने, सबसे देखिए बड़ी चीज़ है कि जो गुप्त वंश थे वो सभी कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म के थे, तो वैष्णव होने, बंगा मतलब बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। मूलतः यह जो स्तंभ है वह विष्णुपद पहाड़ी जो कि संभवतः उदयगिरी मध्य प्रदेश है पर स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक के द्वारा यहाँ पर स्थापित करवाया गया था, यहाँ मतलब दिल्ली में। तो ये जो जानकारी है हमारी वह मेहरौली स्तंभ लेख के बारे में थी। नेक्स्ट हमारा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, और ये कहाँ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और संबंधित व्यक्ति है समुद्रगुप्त, और ये भी गुप्तकालीन शासक थे। अब इस अभिलेख की विषय वस्तु को जान लें, तो संस्कृत में रचित यह जो प्रशस्ति है मूलतः एक शोक स्तंभ पर अंकित है जो समुद्रगुप्त के द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था, और इस पर समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन। तो हरिसेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय और उसकी विजय एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया है। किसमें किया है, प्रयाग प्रशस्ति जो कि हमारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, समुद्रगुप्त के बारे में इसमें बताया गया है जो कि गुप्तकालीन वंश के थे। नेक्स्ट है हमारा बोध स्तंभ लेख, ये कहाँ है, ये है भरहुत सतना जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये है राजा वासुदेव के बारे में जो कि सुंग काल के थे, और इस अभिलेख में सुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा मथुरा स्तंभ लेख, तो ये है मथुरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही है जो कि गुप्तकालीन शासक थे, और यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है, और इस स्तंभ लेख के द्वारा वैष्णव धर्म के जो अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है, इसमें महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन है। देखिए हमने अभी अभिलेख के बारे में पढ़ा, और ये है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी कुछ ले लें।
देखिए कुल 12 स्तंभ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट हमारा गरुड़ स्तंभ लेख, और ये है हमारा बेस नगर जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है, और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो ये है भागभद्र जो कि होलीडोरस इंडो ग्रीक शासन किसका राजदूत था, ये था एंटी आयल किट्स का राजदूत था, और समय है सुंग काल, और अभिलेख की जो विषय वस्तु है इसमें 2 अभिलेख उत्कीर्ण है, एक अभिलेख में हेलियोडोरस और वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये गरुड़ स्तंभ लेख है। एरन स्तंभ लेख, तो देखिए ये जो है हमारा मध्य प्रदेश में है, एरन जो है सागर, सागर के मध्य प्रदेश में है, और ये संबंधित व्यक्ति है समुद्रगुप्त, और समझ सकते हैं कि इसका जो काल है वह गुप्तकालीन है, और इस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है, और यह विदर्भी शैली में है, और इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। एक चीज़ और है कि सबसे पहले जो सती प्रथा का जो वर्णन था वो हमें एरन अभिलेख से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा फिर से एरन स्तंभ लेख है, इसमें ये एरन है जो हमारा मध्य प्रदेश में ही है, और संबंधित व्यक्ति है बुद्धगुप्त जो कि गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख में भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण है, अभिलेखीय प्रमाण है, और इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है। इसमें सप्ताह के दिनों के नाम का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। तो देखिए जब बार बार आपको आप समझ सकते हैं विष्णु के बारे में आ रहा है, इसका मतलब जो गुप्तकालीन थे शासक वो वैष्णव संप्रदाय के थे। फिर है हमारा भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी ये है हमारा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, जो संबंधित व्यक्ति है वो हमारे स्कंदगुप्त है, और समय हमारा गुप्तकालीन है। इस लेख में समुद्र स्कंदगुप्त के जो के वंश परिचय, हुनों के आक्रमण तथा स्कंदगुप्त के द्वारा उसके दमन का उल्लेख किया गया है। तो देखिए आप यह भी क्वेश्चन आता है कि किस गुप्त शासन के समय में हुनों ने आक्रमण किया था, तो आप कहेंगे स्कंदगुप्त के समय में। नेक्स्ट है हमारा बिहार स्तंभ लेख, तो ये बिहार शरीफ जो है पटना में है, और स्कंदगुप्त से संबंधित है यह अभिलेख, और यह भी गुप्तकालीन है। इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है, और इस पर स्कंदगुप्त तक के जो गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा विलरल स्तंभ लेख, जो कि आपको साफ से दिखाई दे रहा होगा, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है, और संबंधित व्यक्ति है कुमार गुप्त, और इनका जो समय है वो है हमारा गुप्तकालीन। इस अभिलेख में गुप्त संवत 96-415 ईस्वी अंकित है, और कुमार गुप्त के गुप्त शासकों का उल्लेख है। इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्मसंघ के निर्माण का उल्लेख भी है। नेक्स्ट है हमारा फिर से एरन स्तंभ लेख, जो कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसमें जो संबंधित व्यक्ति है वो हमारे भानुगुप्त है, और जो कि गुप्तकालीन है। अब इसमें विषय वस्तु ये है कि 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है, तथा हुनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके बाद गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। देखिए एरन स्तंभ से ही एरन स्तंभ लेख से ही आपको सती प्रथा होने का जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट हमारा तालगुंडा स्तंभ लेख, जिसमें है शिमोगा जो कि मैसूर कर्नाटक में है, और संबंधित व्यक्ति है शांति वर्मन या और मयूर वर्मन भी है शर्मन। इनका जो समय है वो है गुप्तकालीन है, और इस स्तंभ लेख में दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है।
इसमें कदंब शासक जो कि मयूर शर्मन के पलयों से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से जो 12 स्तंभ लेख है जो कि आपको उनके स्थान, संबंधित व्यक्ति, समय के बारे में जानकारी हमें मिली। नेक्स्ट है हमारा साहित्य स्रोत। हमने अभी तक पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा और ये जो है हमारा अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपको साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए, यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में ही था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियों ईसा की 4वीं सदी के पहले के नहीं है तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है और भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और तारपत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी। देखिए यहाँ पर वेद, उपवेद और विवरण के बारे में बताया गया है। वेद तो चार है, आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपवेद है हमारा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। विवरण में है कि जो हमारा चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है और यजुर्वेद या फिर आप धनुर्वेद को कर सकते हैं कि युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद या फिर गंधर्ववेद जो हमारा वो कला और संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद या फिर शिल्पवेद जो है वो है भवन निर्माण कला से संबंधित है। देखिए भारत में जो हमने भी पढ़ा कि जो पांडुलिपियाँ है वे भोजपत्र और तारपत्रों पर लिखी मिलती है और ये जो पांडुलिपियाँ है ये मेष, चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली है, परंतु इनमें से जो अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है और उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। तो देखिए इस तरह से जो हमारा सेकेंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का ही साहित्यिक जो हमारा आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत है हमारा इस चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर का नाम ऐतिहासिक स्रोत। तो इसका ये जो सेकेंड वीडियो था मैंने बनाया आज यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट डे मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगी और हम फिर से नए अध्याय में चलेंगे। तब तक आप देखते रहे हमारा YouTube चैनल स्कूल चले। धन्यवाद।